नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग सप्तक के बारे में चर्चा करेंगे। संगीत में सप्तक क्या होता है, इसका अर्थ और इसके प्रकार क्या हैं। तो वास्तव में सप्तक एक समूहवाचक और संख्यावाचक शब्द है, जिसका अर्थ सात के समूह से है। संगीत में सात स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं, जो इस प्रकार से हैं: सा, री, ग, म, प, ध, नी। ये सात स्वरों के समूह को ही संगीत में सप्तक कहा जाता है। सप्तक के कुल चार प्रकार हैं, जिनमें से तीन सप्तकों का अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। पहला तार सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक, तीसरा मंद्र सप्तक और चौथा अति मंद्र सप्तक। सप्तक को किस प्रकार से लिपिबद्ध किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि तार सप्तक, जो कि सबसे ऊपर का सप्तक माना जाता है, जिसकी आंदोलन संख्या सबसे अधिक है, इसमें स्वरों के ऊपर एक एक बिंदी इस प्रकार से लगाई जाती है। और इसी प्रकार से ये मध्य सप्तक है, मध्य सप्तक में कोई भी चिन्ह नहीं लगाते, सिर्फ स्वर को लिखा जाता है। और मध्य सप्तक से नीचे जो आंदोलन संख्या का है सप्तक, वो मंद्र सप्तक है। और इसमें स्वर के नीचे एक एक डॉट या बिंदी इस तरीके से लगाते हैं, जिससे ये इंडिकेट होगा कि ये मंद्र सप्तक है। और अति मंद्र सप्तक, जो कि मंद्र सप्तक से भी नीचे आंदोलन संख्या वाला सप्तक है, या कम आंदोलन संख्या है इसकी, सबसे कम सभी सप्तकों में, इसमें स्वर के नीचे दो दो डॉट लगाएंगे। तो और इसको इंग्लिश में जो सप्तक कहते हैं, इसे ऑक्टिव कहते हैं। और तार सप्तक को हायर ऑक्टिव, मध्य सप्तक को मिडिल ऑक्टिव, मंद्र सप्तक को लोअर ऑक्टिव और अति मंद्र सप्तक को अल्ट्रा लोअर ऑक्टिव के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से ये सप्तक को, जो अलग अलग सप्तकों के स्वरों को लिखने की जो पद्धति है, ये पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा विकसित की हुई शैली है। सप्तक के बारे में हम ऐसे समझ सकते हैं उसको प्रायोगिक तौर पर, कि जैसे जो हम सरगम या सारेगामा पधनी, जैसा कि सात स्वरों का समूह बताया गया है सप्तक है, तो एक सप्तक को जो हम बहुत आराम से और बिना किसी तनाव के हम गा सकें, तो वो हमारा मध्य सप्तक माना जाएगा, यानी कि कॉमन सप्तक। जैसे सा सा रे ग म प ध नी, सितार में इसको देखें तो ये हमारा मध्य सप्तक, यानी कि मैक्सिमम यूज़ करने वाले सप्तक माना जाएगा। और अब आप देखेंगे कि इसके बाद फिर अगला सा आ रहा है, सा रे गा। तो ये अब आगे का जो स्वर आ रहा है, यानी कि इस सा से इस सा की जो आवाज़ है या ध्वनि है, वो पतली है, यानी और पतली यूँ हो रही है कि इस सा की जो आंदोलन संख्या है, इसकी दुगुनी आंदोलन संख्या इस सा की है, यानी इसकी तारता बढ़ गई है। आंदोलन संख्या बढ़ी तो इसकी तारता भी बढ़ती चली गई। और इस सा के बाद फिर जो हम आगे बढ़ेंगे, और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ये तार सप्तक के स्वर आ जाएंगे, यानी इस सा से लेकर ये जो आए, ये तार सप्तक के स्वर हो गए सितार में। और अब यहाँ पे जो हम मध्य सप्तक का सा है, इसके जब हम और ऊपर जाएंगे, यानी कि यूँ कहें कि इससे सा की आंदोलन संख्या जैसे कम होती जाएगी, तो ये नी आ जाएगा। और ये जो नी है, यहाँ से मंद्र सप्तक का अवरोह शुरू होता है। अब ये जो स्वर आपने सुने, यानी फिर से एक बार देख लीजिए, अगर हम मध्य सप्तक यहाँ बोलते हैं सा,
अब इस सा से इस सा की आवाज़ जो है और मोटी हो गई, तो ये हमारा मंद्र सप्तक हो गया। तो ऐसे समझ सकते हैं तार सप्तक की जो आंदोलन संख्या सबसे अधिक है और उसकी आवाज़ सबसे पतली है, मध्य सप्तक की ना बहुत मोटी आवाज़ है ना बहुत पतली है, यानी मीडियम आवाज़ है, मध्य आवाज़ है उसकी, इसलिए मध्य सप्तक बोला गया। मंद्र की आवाज़ मध्य से और मोटी है। और चौथा सप्तक है अति मंद्र सप्तक। अब इस सा के बाद जो आएगा नी, इन सा ये हो गया अति मंद्र सप्तक, इसकी आवाज़ बहुत मोटी है। और मुख्य रूप से तीन सप्तकों का ही अधिक प्रयोग होता है, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। लेकिन जो गंभीर गायन वादन होते हैं, जैसे कि ध्रुपद शैली के जो गायन है, वादन है, उसमें उसमें गायन में भी अति मंद्र सप्तक का प्रयोग किया जाता है, और वादन में जो वीणा वादन किया जाता है उसमें भी अति मंद्र सप्तक का वादन किया जाता है। तो इसलिए जो ध्रुपद शैली है उसमें चारों सप्तकों का प्रयोग होता है, ख्याल शैली में अधिकांशतः तीन सप्तकों का ही अधिक प्रयोग होता है, मंद्र, मध्य और तार। तो एक बार पूरे सप्तक आपको फिर से सुने, अति मंद्र सप्तक, ये हो गया अति मंद्र सप्तक, और फिर यहाँ से ये हो गया मंद्र सप्तक, और इसी सा से मध्य सप्तक शुरू हो रहा है। और फिर इस सा से तार सप्तक शुरू हो रहा है। ये हो गया अति, ये आपका तार सप्तक हो गया। इसके बाद अति तार सप्तक आएगा, लेकिन अति तार सप्तक क्योंकि बहुत प्रयोग नहीं होता है इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे वायलिन में हुआ या बांसुरी में कभी कभी अति तार तक जाते हैं, लेकिन जो आमतया जो प्रयोग किए जाते हैं तीन सप्तकों का प्रयोग ही किया जाता है।